नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश मटपाल, एकेडमिक कंसल्टेंट, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। मैं आपको एमएससी में मैथमेटिकल फिजिक्स का पेपर पढ़ाऊंगा। मैथमेटिकल फिजिक्स पेपर में अभी जो मैं आपका टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, वो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर आप बहुत सारे फंक्शंस को ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है लाप्लास एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। इस फॉर्मूले की मदद से आप लाप्लास 1 का निकाल सकते हैं, लाप्लास ई रेस टू द पावर ए टी का निकाल सकते हैं, लाप्लास ई रेस टू द पावर माइनस ए टी का निकाल सकते हैं, लाप्लास कॉस ए टी, लाप्लास साइन ए टी। ये सारे आपको वीडियो में सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका लेते हैं। तो आपको करना क्या है, लाप्लास एफ टी जहाँ मैं बोल रहा हूँ इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस एस टी एफ टी बोल रहा हूँ, एफ टी की जगह पे आपने जिस फंक्शन का आपको लाप्लास करने के लिए दिया जाता है, जैसे 1 का दिया जाएगा तो इंटीग्रेशन में आपको एफ टी की जगह 1 लिख देना है, ई रेस टू द पावर ए टी का दिया जाता है तो एफ टी की जगह ये ले लेना है। फिर बाकी आपका इंटीग्रेशन का पार्ट रहता है जिसको आप सॉल्व करके पूरे लाप्लास के फंक्शन को सॉल्व करते हैं। चलिए आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको लाप्लास का फॉर्मूला पढ़ाया था और लाप्लास से बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। चार या पांच क्वेश्चन करवाए थे। आज हम उसमें 2 क्वेश्चन और करने वाले हैं जो कि उसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि लाप्लास ऑफ एफ टी, मैंने बोला था आपको याद रखने के लिए, क्या था, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e raised to the power minus st, और यहाँ पे था ft और इधर था आपका dt, ठीक है। e raised to the power minus st ft dt हमने लाप्लास का फॉर्मूला पढ़ा हुआ था। आज मैं आपको जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ, आपको क्वेश्चन ये दिया जा रहा है लाप्लास ऑफ cos अगर at है तो आप इसको कैसे करेंगे। मैंने लास्ट वीडियो के लास्ट डिस्क्रिप्शन में डिस्कशन भी किया हुआ था कि आप इसको खुद से करिए। चलिए अच्छी बात है, कुछ ने किया होगा कुछ ने नहीं किया होगा, जिन्होंने किया है तो वो चेक कर ले, जिन्होंने नहीं किया है वो यहाँ पे सॉल्व करें। देखिए पहले तो cos at हम ये मान के चलते हैं हमें कुछ नहीं आता है, तो e की पावर i थीटा हमारे पास यूलर इक्वेशन cos थीटा प्लस i sin थीटा होती थी, और e रेस टू द पावर माइनस i थीटा हमारा cos थीटा माइनस i sin थीटा होता है, ठीक है। अगर मैं इसको सब्सट्रैक्ट कर देता हूं, इसको मैं अगर सपोज यहां से ऐड कर देता हूं तो ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पे 2 cos थीटा इज इक्वल टू e रेस टू द पावर i थीटा प्लस e रेस टू द पावर माइनस i थीटा हो जाएगा, और cos थीटा की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी e रेस टू द पावर i थीटा प्लस e रेस टू द पावर माइनस i थीटा अपॉन 2। तो ये तो आपका देखिए बच्चों cos थीटा की वैल्यू निकल के आ गई आपकी, ठीक है। अब ऐसे ही आपके पास यहां पे cos अगर at होता, थीटा की जगह at होता, तो e रेस टू द पावर i at हो जाता प्लस e रेस टू द पावर माइनस i at हो जाता अपॉन 2 हो जाता आपका। तो आपको लाप्लास जब करना है cos at का, तो सबसे पहले आप लाप्लास को लिखना, सॉरी cos को आप लिखना सीखेंगे e raised to the power की फॉर्म में, फिर उसको आप पुट कर देंगे। तो यहां पे ध्यान दीजिए, आपने ये तो मैंने आपको साइड से निकालना सिखाया भी, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका cos। अब यहीं पे देखिए मैं आपको sin थीटा भी निकालना सिखा देता हूं। अगर आपको sin निकालना होता तो आप इसमें से इसको माइनस कर देते, इसको माइनस करते, यहां पे माइनस यहां प्लस आ जाता, तो ये टर्म कैंसिल हो जाते आपके, तो क्या आ जाता e raised to the power i थीटा माइनस e रेस टू द पावर माइनस आई थीटा इज इक्वल टू, बच्चों यहाँ पे आता आपका 2i साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ जाती e रेस टू द पावर i थीटा माइनस e रेस टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i। बस सेम फॉर्मूले रहते हैं, डिफरेंस ये है यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाता है और 2 की जगह साथ में यहाँ पे 2i आ जाएगा। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान देना है साइन थीटा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर साइन 80 करवाऊंगा तो फिर मैं वहां पे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के दिखाऊंगा। तो आपने सबसे पहले बोला कि cos at क्या होता है हमारा, वो होता है e raised to the power i at plus e raised to the power minus i at upon 2। अब ये फॉर्मूला करवाया मैंने आपको, ये चीज है। तो आपने बोला कि सर आप उससे लाप्लास ऑफ cos at सॉल्व करवा रहे हैं, तो मैं इसको कर देता हूं e raised to the power i at plus e raised to the power minus i at upon 2। तो इसको हम क्या करते हैं, देखिए 1/2 बाहर ले लीजिए, लाप्लास ऑफ e raised to the power i at प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस आई ए टी। अब आप यहां ये आपकी सिंपल लाप्लास की
लीनियरिटी प्रॉपर्टी लग रही है। लाप्लास में आप ध्यान लगाइए, जो कांस्टेंट रहते हैं इनको हम लोग बाहर लिख देते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, लाप्लास को हमने अलग अलग लिख दिया, ई रेस टू दी पावर आई एटी को अलग कर दिया, ई रेस टू दी पावर माइनस आई एटी को अलग कर दिया। अब मेरे पास यहां से दो क्वेश्चन बन जाएंगे, साथ साथ में सॉल्व करूंगा। एक तो इस पर फॉर्मूला लगाऊंगा मैं ये वाला, और एक फॉर्मूला मैं इस पर लगा रहा हूँ। तो मैं कैसे करता हूं, देखो यहां से आगे को सॉल्व। इज इक्वल टू वन बाई टू, इस पर जब आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी ई रेस टू दी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब फंक्शन कौन है मेरा, अभी ई रेस टू दी पावर आई ए टी और यहाँ पे डी टी हो जाएगा, प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस एस टी ई रेस टू दी पावर माइनस आई ए टी और यहाँ पर जाएगा डी टी और यहाँ जीरो टू इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वन बाई टू इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी, एक सेकेंड, जीरो टू इंफिनिटी हो जाएगा। देखिए यहां पे इन पावर्स को हम लोग यहां पे e रेस टू दी पावर माइनस कॉमन ले लेता हूं तो माइनस s माइनस आई ए हो जाएगा और यहां पे हो जाएगा t और यहाँ dt हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी e रेस टू दी पावर माइनस कॉमन ले लो s प्लस आई ए, बाहर से जाएगा t और यहां हो जाएगा dt। ठीक है, अब मैं इसको इंटीग्रेट कर लेता हूं तो क्या हो जाएगा, देखिए वन बाई टू, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो e रेस टू दी पावर माइनस s माइनस आई ए t अपॉन माइनस एस माइनस आई ए हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, जीरो टू इंफिनिटी, प्लस सेम यहाँ पे आप सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए मैं अलग अलग लिख देता हूँ इनको, फंक्शन को बार बार कौन मेरा ब्रैकेट बनाएगा, तो वन बाई टू लिख दिया, तो यहाँ पे ई रेस टू दी पावर माइनस एस प्लस आई ए प्लस आई ए जीरो टू इंफिनिटी, यहां तक सॉल्व कर दिया। अब आप एक चीज बिल्कुल ध्यान से समझिए, अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है कॉस 80 की जगह साइन 80, बच्चों मैंने यहां पर सॉल्व करवाया था साइन 80 का फॉर्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला लिखा था, तो उसके हिसाब से आप लोग लिख सकते हैं। अब उसके हिसाब से फिर सेम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे चेंजेस होते रहेंगे तो आप बिल्कुल वैल्यू निकालते रहेंगे। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं हम लोग, देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या आने वाला है हमारा, वन बाय टू और यहां पे इज इक्वल टू वन बाई टू हो गया इंटू वन अपॉन माइनस एस माइनस आई ए, ये बाहर निकल जाएगा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ ई रेस टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा और यहाँ पे जब जीरो रखोगे टी की जगह ई रेस टू दी पावर जीरो हो जाएगा। ठीक है, प्लस वन बाई टू इंटू वन अपॉन माइनस एस प्लस आई ए हो जाएगा इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई रेस टू दी पावर जीरो। ठीक है, अब आप इसको देखेंगे तो वन बाई टू इंटू माइनस वन अपॉन एस माइनस आई ए ये हो गया और यहाँ पे ई रेस टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है जीरो जीरो और ये हो गया आपका माइनस वन। सेम यहाँ पे निकल के आ जाएगा वन बाई टू इंटू माइनस वन अपॉन एस प्लस आई ए इंटू आपका हो जाएगा माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे भी वही वैल्यू हो जाएगी आपकी, फिर से ई रेस टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है और ये आपका वन हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं तो क्या होगा, अब यहां से आगे को नेक्स्ट स्टेप देखते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, वन बाई टू वन अपॉन एस माइनस आई ए हो गया और यहां पे भी देखिए माइनस माइनस आपका प्लस हो गया तो यहां भी हो गया वन बाई टू इंटू वन अपॉन एस प्लस आई ए हो गया। तो वन बाई टू कॉमन ले लेते हैं, वन अपॉन एस माइनस आई ए और यहाँ पे प्लस वन अपॉन एस प्लस आई ए है। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, सिंपल सा एलसीएम ले लेना है इसका, तो वन बाई टू हो जाएगा इसका इधर मल्टीप्लीकेशन एस प्लस आई ए प्लस एस माइनस आई ए हो जाएगा अपॉन एस माइनस आई ए और यहाँ पे एस प्लस आई ए हो जाएगा, आई ए से आई ए कैंसिल हो गया तो वन बाई टू और यहाँ पे हो गया आपका टू एस और यहाँ हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे लिख दिया, टू से टू कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका s अपॉन एस स्क्वायर
माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन ए टू ए स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस माइनस होता है आपका प्लस वन, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फाइनल आंसर हो जाएगा आपका एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर वन हो गया हमारा।